नमस्कार, न्यूज वन इलेवन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पटना में वाम दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 19 दिसंबर को राजद के बिहार में सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर इसे सफल बनाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वाम दल नेता सत्यनारायण सिंह ने बताया कि इस बंद में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं और दलित गरीबों को उजारने के सवाल को भी मजबूती से उठाया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जुबान पर हैं सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह की शहादत दिवस है, इसलिए एंटी कैब जो आंदोलन है, इस आंदोलन को और मजबूती देने के लिए 19 दिसंबर को पूरे देश में प्रतिवाद आंदोलन हो रहा है। और उस दिन हम लोगों ने, वाम दलों ने मिल करके बिहार बंद का आह्वान किया है। आरजेडी की ओर से 21 दिसंबर को बिहार बंद प्रस्तावित है। हम वाम दलों की ओर से आरजेडी से भी अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि 19 दिसंबर की ऐतिहासिकता है, उसको लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके पूरे पूर्वांचल तक, संपूर्ण देश में इस संविधान विरोधी कानून का विरोध हो रहा है। वाम दलों की एक संयुक्त बैठक दिल्ली में हुई, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी की ओर से 19 दिसंबर को पूरे देश में प्रतिवाद आंदोलन को और तेज करने का फैसला हुआ। इस अभियान में देश के अन्य जो लोकतांत्रिक संगठन हैं, पार्टियां हैं, वो भी शरीक हैं। 19 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश के तीन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, रामप्रसाद बिस्मिल, संपूर्ण मूल्यबोध को देखते हुए वो भी अपना बंद का कार्यक्रम 19 दिसंबर को कर लें और पूरे बिहार में तमाम संगठनों की ओर से, तमाम पार्टियों की ओर से, जिन्हें संविधान में आस्था है, लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत में आस्था है, सब लोग मिलकर के एक संपूर्ण बिहार बंद का कार्यक्रम करें, इसी की घोषणा के लिए हम लोगों ने आज इस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है। हमारे बीच में सीपीआई के राज्य सचिव कमरेड सब। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज वन इलेवन के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।